हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पूजा, गर्मियों का सीज़न आ गया है और आम का भी सीज़न आ गया है, तो क्यों ना हम लोग आज मैंगो कुल्फ़ी बनाई जाए। आज हम लोग घर पे मैंगो कुल्फ़ी बनाएंगे, वो भी बिल्कुल मार्केट के जैसा, वो भी बिना गैस जलाएं। और उसका बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ईजी है। आप लोगों को अगर मैंगो कुल्फ़ी की रेसिपी पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मैंगो कुल्फ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे हाफ कप शुगर लिया है, मैंने यहाँ पे 1/4 कप फ्रेश क्रीम लिया है अमूल का। अगर आपके पास अमूल का फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, अगर मलाई भी नहीं है तो आप दूध ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पे हाफ कप दूध लिया है और मैंने यहाँ पे 2 मैंगो लिया है। अब हम मैंगो को छील लेंगे और उसका पल्प निकाल लेंगे। अब हम मैंगो का जो छिलका है उसको निकाल लेंगे अच्छे से। मैंने यहाँ पे 2 मैंगो लिया है, ये 250 ग्राम मैंगो है। ये देखिए हमने मैंगो को छील लिया है, तो अब हम उसका जो पल्प है उसको काट के अलग कर लेंगे। और हमें यहाँ पे पके हुए मैंगो का ही यूज़ करना है कुल्फ़ी बनाने के लिए। और फ्रेंड, मैंगो की जो कुल्फ़ी होती है बहुत ही टेस्टी होती है। ये देखिए हमने सारा पल्प निकाल लिया है, तो अब हम एक ब्लेंडिंग जार लेंगे, जार में हम सभी पल्प को डाल देंगे। अब हम ब्लेंडिंग जार में सभी पल्प को डाल देंगे और अब हम इसके बाद इसमें फ्रेश क्रीम डालेंगे। फ्रेश क्रीम डालने से फ्रेंड हमारी जो आइसक्रीम होती है वो बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी होती है, बिल्कुल मार्केट के जैसा इसका टेस्ट होता है। और मैंने पहले ही बताया था, अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप क्रीम की जगह पे दूध का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अब हम इसमें शुगर डालेंगे, मैंने जो हाफ कप शुगर लिया वो डाल देंगे। देखिए मैंने मैंगो पल्प को ग्राइंड कर लिया है और ये थोड़ा सा थिक है, मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे इस तरीके का आइसक्रीम मोल्ड लिया है। अगर आपके पास आइसक्रीम मोल्ड नहीं है तो आप उसकी जगह पे कोई भी कांच का कप या ग्लास ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 तरीके से आइसक्रीम बनाना बताऊँगी। पहले हम लोग जो मोल्ड लिए हैं उस पर हम लोग मैंगो पल्प को अच्छे से भर लेंगे, पूरा ऊपर तक भर के हम इसको कवर कर लेंगे। देखिए इस तरह से, आप चाहे तो आप अभी इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं ड्राई फ्रूट अभी ऐड नहीं करूँगी, बाद में करूँगी। इसको हम अच्छे से हम कवर कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे कांच का कप लिया है, अब मैं इसमें बचा हुआ जो मैंगो प्यूरी है वो इसमें डाल दूँगी। डाल के मैं कांच के कप में आइसक्रीम जमाऊँगी। देखिए मैंने यहाँ पे एक एल्युमिनियम फॉइल लिया है, उससे मैं कप को अच्छे से कवर कर दूंगी ताकि इसमें ऊपर से आइस वगैरह ना जमे। अच्छे से कवर करेंगे हम इसे, हम इसे 8 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। देखिए 8 घंटे के बाद हम आइसक्रीम को बाहर निकालेंगे। और मैंने यहाँ पे एक बर्तन में पानी लिया है, ये नॉर्मल पानी है, पानी में मैं आइसक्रीम मोल्ड को डाल दूंगी ताकि हमारी आइसक्रीम अच्छे से निकल जाए। और ये देखिए हमारी जो कप में आइसक्रीम जमाया था वो भी अच्छे से जम गया है और इसके ऊपर बिल्कुल भी आइस वगैरह नहीं लगा है। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक नाइफ़ लिया है, नाइफ़ से मैं आइसक्रीम के किनारों को निकाल लूँगी ताकि हमारी जो आइसक्रीम है वो आसानी से निकल जाए। मैं यहाँ कप में एक आइसक्रीम स्टिक डालूँगी ताकि इसको आराम से निकाल सकें। देखिए अब हम आइसक्रीम मोल्ड को बाहर निकाल लेंगे और उसी पानी में कप को डाल देंगे और आइसक्रीम को निकालना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए अब हम सभी आइसक्रीम को हम निकाल लेंगे। देखिए पानी में डालने की वजह से हमारी जो कुल्फ़ी बिल्कुल आराम से निकल आई है। देखिए हमारा जो कप वाला कुल्फ़ी वो मैं उसको निकाल लूँगी बाहर। ये देखिए इसका जो टेक्सचर है और इसका कलर कितना अच्छा आया है और ये बिल्कुल क्रीमी है, ये आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कि कितनी सॉफ्ट बनी है। और हमने यहाँ पर गैस का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। तो अब हम लास्ट में इसके ऊपर अब हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। लास्ट में मैं इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पे आमंड और पिस्ता लिया है, आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप डाल सकते हैं इसके ऊपर। तो देखा आपने कितनी आसान है ये मैंगो कुल्फ़ी बनाना बिना गैस जलाए।
तो आप लोगों को ये मैंगो कुल्फ़ी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।